मेरे दोस्तों बेलियों ते बुजुर्गों, सुल्तानी स्टूडियो वालों शायर नज़ीर सुल्तानी सलाम अर्ज करदा है ते सुल्तानी स्टूडियो पेश करदा है दास्तान मछेरा। इस दास्तान दी फरमाइश करदे ने जिया बगा तो मुहम्मद शफीक उर्फ बिल्लू रहमानी, अरफ वाला तो राय नवीद, बहावलपुर तो बाबा बशीर रहमानी, रावलपिंडी तो राणा जाफर, काले वाला चीमा तो जकाउल्ला चीमा, अकाई कोड तो बाबा मोहम्मद खान ते पिंड रसूलपुर जट्टा तो मीर अहमद जट। मेरे दोस्तों एक मछेरा हर रोज़ मच्छियां फड़न जांदा ते मच्छियां फड़ के लिया के बाजार विच वेच के गुजारा करदा। एक दिन उन्हें दरिया विच जाल पाया ते एक बहुत ही खूबसूरत मच्छी उहदे जाल विच आ गई। उन्हें मच्छी नूं बाहर कढ़िया ते मच्छी कहण लगी, मैनू छड़ दे, मैं तेरे बड़े काम आवांगी। मछेरा कहिंदा, तू मेरे किहड़े काम आवेंगी? मच्छी कहण लगी, मैं दरिया विच मच्छियां दी राणी हाँ, मेरी मखलूक दा मेरे बिना की बनेगा। ऐ लै मेरी मुछ दा वाल, जदों कदी मेरी लोड़ पवे ते दरिया ते आ के इस वाल नूं सेक देवी, मैं हाजिर हो जावांगी। मछेरा सोचण लगा, यह मेरा की कम करेगी? फिर सोचण लगा, सियाणे कहिंदे ने कदी कदी गलियां दे कखां नाल वी काम पै जांदे ने, चलो मैं होर मच्छियां फड़ लवांगा। उन्हें उस मलका मच्छी नूं दरिया विच वापस छड़ दिता। इन्ने चिर नूं एक शीश नाग शूकरा मारदा उत्थे आ गया। मछेरा डर गया, नाग भुख दी वजह तो शूकरा मार रहा सी। मछेरे ने कहा, मैनू ना खावीं, मैं तेनूं मच्छियां देना, तू वो खा ला। मछेरे ने उन्हूं मच्छियां दित्तियां। जदों नाग दी भुख मरी ते कहण लगा, तू मेरे ते बहुत वड्डा एहसान कीता है, मैनू होर थोड़ी देर खाना ना मिलता तो मैं मर जाना सी। 3 महीने तो भुखा सा। नाग मछेरे नू एक मणका देंदा है ते कहिंदा है, जदों कदी मेरी लोड़ पवे ते इस मणके नू सेक दई, मैं अपड़ जावांगा। मछेरे ने वह मणका अपने झोले विच रख लिया। इन्नी देर नू उन्हें दरिया विच एक संदूक रुड़िया आउंदा वेख्या। जदों संदूक नेड़े आया ते उन्हें उहदा जिंदरा खोलिया। उहदे विच एक खूबसूरत शहजादी दे नाल हीरे जवाहर सन। शहजादी कहण लगी, संदूक नू फौरन बंद करके दरिया विच वापस रोड़ दे। शहजादी उन्हों की कहिंदी है ते मछेरा अगों की कहिंदा है, ये पेश करदे ने लोक दास्ताना दे बादशाह सादक पट्टी बाग मोड़ वाले, ते रिकॉर्ड करदे ने लाला जी, ते दास्तान लिखदे ने शायर नज़ीर सुल्तान। ਵੇਖਿਆ ਜਦ ਮਛੇਰੇ ਯਾਰੋ ਦਰਿਆ ਛੱਲਾ ਮਾਰੇ, ਰੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਦੂਕ ਲੱਗਾ ਜੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਤੋੜ ਕੇ ਜਿੰਦਰਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਹੈਰਾਨ, ਵੇਖ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਵਿੱਚ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਆਏ, ਰੋਡ ਦੇ ਵਾਪਸ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਫਰਮਾਏ। ਜੇ ਨਾ ਰੋਣੇ ਵਾਪਸ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਕਰੇਗਾ ਕੀ, ਜੇ ਨਾ ਰੋਣੇ ਵਾਪਸ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਕਰੇਗਾ ਕੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧੀ, ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਮੈਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਦੇਸ ਨਿਕਾਲਾ, ਬਾਪ ਮੇਰਾ ਏ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਬੜਾ ਏ ਸੂਲਾ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਮਛੇਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ। ਮਛੇਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਸਭ ਕੁਛ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਉਸ ਮਛੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਮਛੇਰੇ ਨੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਹਿਲ ਬਣਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਵੀ ਲਗਵਾਇਆ। ਇੱਕ ਮਾਲਣ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਲਕਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਲਣ ਸਵੇਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਕੋਲ ਗਈ
ते शहजादी नू वेख के हैरान हो गई। एडी खूबसूरत शहजादी उन्हें पहलों कदी नहीं सी वेखी। जदों बादशाह दे दरबार गई ते उन्हें बादशाह नू जा के दस्या भई मछेरे दी बीवी इन्नी सोहनी है, मलका उदे सामने कुछ भी नहीं, वो तुहाडे लायक है। बादशाह ने वजीर नू बुलाया भई उस मछेरे नू कोई एहो जी मुहिम पा जिथों वह वापस ना आ सके ते असी शहजादी नाल व्याह करके उन्हों अपने महलां विच ले आईए। वजीर जाके मछेरे नू की कहिंदा है, सादक पट्टी पेश करदा है। उस वजीर मछेरे ताई आन पगाम सुनाया, उस वजीर मछेरे ताई आन पगाम सुनाया, हाजिर हो जा महलां दे विच बादशाह ने फरमाया। लै मछेरा नालों तुरिया महलां दे विच आया, बादशाह उस मछेरे ताई ऐसा हुक्म सुनाया। ओ काव तू जाके उतों पत्ते चार लियावी, पत्ते लिया के बोर्ड दे उतों छेती वापस आवी। आखिया इस न्यासी मेनू पत्ते बड़े जरूरी, पत्तियां दा मैं कुश्ता मारा बन गई है मजबूरी। बादशाह कहन लगा मेनू एक अजेही बीमारी लग गई है जेड़ी को काफ दे पहाड़ा विच एक बोर्ड दे पत्तियां दे नाल ठीक होनी है, तू जा ते जाके ओ पत्ते लै के आ। मछेरा ये गल सुन के बड़ा परेशान होया ते सोचन लगा मैं को काफ किवें जावांगा, ते जे बादशाह नू इनकार करां ते बादशाह मेरा सिर ला देवेगा। इसे परेशानी दे विच ओ अपने महल विच आंदा है। शहजादी उनू परेशान वेख के पुछदी है तुसी इन्ने क्यों परेशान हो, ते मछेरा कहन लगा बादशाह ने मिहम पा दिती है जे इनकार करां ते बादशाह मेरा सिर ला देवेगा। शहजादी कहंदी तू परेशान ना हो। उन्हें मछेरे नू एक कोड़ा दिता ते आख्या इहदे ते सवार हो जा, जदों ये कोड़ा अद विच पहुंचेगा ते हिणकेगा ते तू समझी कि अद्धा फासला तय हो गया, ते जदों ये दूजी वारी हिणके ते ये अपनी मंजिल ते पहुंच जाएगा ते बोर्ड तेरे सामने होवेगा। पर मेरी एक नसीहत याद रखी, पत्ते लैके उत्थे रुकी ना। जदों वो बोर्ड कोल अपड़िया ते थक चुकिया सी, पत्ते ला के चार चफेरे वेख्या, ना कोई बंदा ते ना कोई बंदे दी जात। कहन लगा शहजादी ते एवें कमली है, उन्हें कहा सी इत्थे खतरा है, पर इत्थे तो कोई भी खतरा नहीं, मैं इत्थे थोड़ी देर वास्ते आराम कर लेना वा ते फिर वापस जावांगा। फिर की हुंदा है, सादक पट्टी पेश कर दे। बैठा जी बोर्ड दे तले कोड़ा चरने छड़िया, बैठा ओ जी बोर्ड दे तले कोड़ा चरने छड़िया, इन्ने चिर नू वेख दे ओने सिर बोर्ड चो कढ़िया। आके फड़िया उस मछेरा लैके ओनू उड़िया, उड़िया ओते यार मछेरा दिल ओदा सी बुड़िया। लाके ओने पेश किता जी अगे बादशाह बैठा, द्योवां दा ओ बादशाह सी नाल ओदी सी नीता। दस्या जुर्म शेरे दाते बादशाह फरमाया, अज तई साडी नगरी दे विच आदम जात नी आया। करके तेनू कैदी रखा तेरा जुर्म बधेरा, या करांगा शादी एथे इयो फैसला मेरा। आखन लगा शादी करे सा मेनू नहीं इनकार, मैं नी भजदा कर लो तुसी मेरे ते इतबार। अन्नी बोली डुड्डी दे नाल करा मैं तेरी शादी, ओ अन्नी बोली डुड्डी दे नाल करा मैं तेरी शादी,
ऐसे कारण मिल सके दी तेनू फिर जादी शादी ओना कीती जिस दम परी बड़ी सी सोनी ओदे वर्गी को काफ बिच होर परी नहीं होनी ओदे वर्गी को काफ बिच होर परी नहीं होनी जदों देवां दे बादशाह ने ओदी शादी कर दित्ती ते ओ वेख के हैरान रह गया। भाई बादशाह ने ते आख्या सी ए अन्नी बोली ते डुड्डी होवेगी पर ए ते कोकाफ दी सब तो सोहनी ते खूबसूरत परी है। मछेरे ने उस परी नू सारा वाक्या सुनाया। परी कहन लगी तू फिकर ना कर मैं तेरे नाल जावांगी ते सब संभाल लवांगी। परी ने अपने बाप कोलों इजाजत लई ते मछेरा ओनू अपने महलां विच लै के आ गया। वह मछेरे नाल परी नू वेख के ते शहजादी परेशान हो गई ते कहन लगी मैं तेनू समझाया सी तू उथे रुकी ना हुण लै मेरी सौंकण। मछेरा कहन लगा भलीए लोके एदी अपनी किस्मत तेरी अपनी किस्मत। खैर मछेरा कहन लगा मैं ते जेड़े काम गया सी ओह ते मैं करके नहीं आया ते हुण बादशाह मेरा सिर जरूर उतारेगा। परी कहन लगी तू फिकर ना कर। उन्हें अपनी चीची नू चीरा दिता ते जिथे जिथे लहू दे तुबके डिगदे उथे उथे ओ बोर्ड उग पैंदा। एक तुबका उन्हें बादशाह दे महलां दे बाहर जाके सुटिया ते उथे भी एक बोर्ड उग पिया। मछेरा बादशाह दे महलां विच गया ते वजीर उन्हू खाली हथी वेख के की कहिंदा है सादक पट्टी पेश करदा है। वेख वजीर जी खाली हथी विच खुशी दे आया पत्ते किते खाली आया बादशाह ने फरमाया क्यों ना तेरा सिर मैं लावा काम मेरा नहीं कीता बोलदा क्यों नहीं बादशाह के मुंह तेरा क्यों सीता बोल मैं तो पुट लियावा लावा मैं लागे बोड़ मैं उतो पुट लियावा लावा मैं लागे जीर मशीर जी सारे उथे ओनू वेखन लगे वार गया जी खाली साडा इना कर मुहावा पत्तियां दिए थां दे उत्ते बोड़ पट लियावा जदों उन्हां ने वेख्या भई साडा ए वी वार खाली गया है ते पत्तियां दी थां ते ए ते बूटा ही पुट लिया है। बादशाह कहन लगा असी तेरे ते बहुत खुश हां तू मछेरा है सानू दरिया दी सैर करवा। वजीर बादशाह ते मछेरा बेड़ी विच बह गए। जदों दरिया दे अद विच गए ते बादशाह ने अपनी अंगूठी ला के दरिया विच सुट दिती ते कहन लगा मेरी हीरे दी अंगूठी दरिया विच डिग पई है मछेरिया ए अंगूठी कढ के दे नहीं ते मैं तेरा सिर ला देंगा। मछेरा सोचन लगा ए बादशाह मेरा सिर ला के खलोवेगा। मछेरा कहन लगा बादशाह सलामत मैनू दो दिन की मोहलत दियो। बादशाह कहन लगा ठीक है। दूसरे दिन उन्हें दरिया ते आके मच्छी दे वाल नू सेक दिता ते मलका मच्छी बाहर आ गई। उन्हें पूछा जी मेरे आका की हुक्म है। मछेरे ने कहा बादशाह की अंगूठी दरिया विच डिग पई है ते जे ना मिली ओ मेरा सिर ला देवेगा ते मेरे वास्ते कुछ कर सकनी है ते कर। मच्छी ने कहा तू फिकर ही ना कर मैं हुणे अंगूठी लिया देनी है। मच्छी ने टुबी मारी ते उन्हों अंगूठी लिया देती। मछेरा सोचन लगा भी बादशाह फिर कोई नवी मुहिम पावेगा एदा कोई हल करना ही पैना है। उन्हें अंगूठी ते बादशाह नू लिया देती ते अपने घर आ गया। आके उन्हें मणके नू सेक दिता ते नाग हाजिर हो गया। कहन लगा जी मेरे आका की हुक्म है। मछेरा कहन लगा बादशाह नू जाके डंग मार उन्हें मैनू बड़ा परेशान किया है रोज नवियां मुहिमां ते भेजदा है ते उहदे कोलों ते मेरी जान छुड़ा। नाग ने जाके बादशाह नू डंग लिया ते शहर विच दुहाई मच गई भाई बादशाह नू नाग ने डंग लिया है। जिहड़ा उन्हां दी जान बचाएगा उन्हू बादशाह दा ऐलान है भाई ताज ते अद्धी बादशाही दित्ती जाएगी। मछेरे ने कहा हुण बादशाह काबू आया है। वह फिर जा दरबार हाजिर होया ते कहन लगा बादशाह सलामत अगलियां मुहिमां भी मैं ही कढ़ियां सन
ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੱਢਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਜ ਤਖਤ ਤੇ ਅੱਧੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕਰਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਮਣਕਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮਣਕੇ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਸਮ 'ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ਹਿਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਤਾਜ ਤਖਤ ਤੇ ਅੱਧੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਛੇਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮਲਕਾ ਪਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸੇ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਦਿਕ ਪੱਟੀ, ਲਾਲਾ ਜੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨੀ ਸਟੂਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ, ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ, ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।